पवित्रः पवित्रो पवित्रो वा सर्वस्थं गतो विवायेन पुण्डरीकाक्ष वायान्तरम्। गंगा की तरफ आम लोगों के साथ साथ सरकार का ध्यान खींचने का नीले का यह अनोखा तरीका जनता को गंगा के प्रति जागरूक करता है, तो दूसरी तरफ गंगा की साफ सफाई के नाम पर लूट मचाने वालों के बीच दहशत पैदा करता है। नीले उपाध्याय पटना में गंगा में गंदा पानी उगल रहे नालों की पूजा कर रहे हैं। उनका संदेश साफ है, अगर हम आज नहीं चेते तो कल इन्हीं नालों को गंगा के रूप में पूजना पड़ेगा। गंगा नदी के दो ही संकट है, एक तो ऊपर इनका पानी बांध दिया गया है और दूसरे जगह जगह नाला डाल करके गंगा को प्रदूषित कर दिया गया है। गंगा देख रहे हैं आप, अब देखिए एक तरफ से नाला आ रहा है और एक तरफ से वो नदी कहाँ चली गयी, किस तरह से नदी की हत्या की जा रही है। निलय कभी दिल्ली में यमुना जगाओ अभियान चलाकर दिल्ली और केंद्र सरकार की नींद उड़ाते हैं, तो कभी गंगा किनारे जाकर यूपी और बिहार सरकार की बेचैनी बढ़ाते हैं। इससे हम सबसे पहले इस नाले का शुद्धिकरण करेंगे। निलय उपाध्याय के इस अभियान में उनका साथ देते हैं लोक गायक और गायिका। गंगा और यमुना से जोड़कर देशी अंदाज में लोक गायिका रेखा ऐसे लोक गीत गाती है कि सबका ध्यान गंगा की तरफ चला जाता है। गंगा जो जीवन दायिनी मानी जाती है, आज खुद उसका जीवन संकट में है। ऋषिकेश में गंगा अल्हर जवान बल खाती दिखती है, वहीं बनारस अयोध्या पहुंचते पहुंचते शांत हो जाती है। बनारस तक का सफर तय करते करते वह थकी और बूढ़ी नजर आने लगती है। बिहार में वह बीमार और मृत्युशैया पर पड़ी दिखती है। गंगा करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी है, लेकिन बिहार में उसकी हालत इतनी खराब है कि उसे पीने और उसके पानी से नहाने की बात कौन करे, लोग उसे छूने से भी घबराते दिखते हैं। तभी तो आज अपना घर बार छोड़कर निलय कहीं ना कहीं गंगा किनारे अपना डेरा जमाए रहते हैं। हम पहली बार नाला पूजन कर रहे हैं। नाला पूजन आप पूछ सकते हैं क्यों, नरोरा में मात्र 140 क्यूसेक पानी गंगा को मिलता है और कन्नौज आते आते गंगा के ऊपर काली नदी और राम गंगा दोनों इस तरह से कस जाती है कि गंगा की वही मौत हो जाती है। और ये पूरी जो गंगा है वो कन्नौज के बाद से नाला है, हमने 3 बार यात्रा में इसे देखा है। आप नाला को गंगा कहकर पूजन कर रहे हैं, मैं नाले को गंगा कहकर के पूजना चाहता हूँ, क्योंकि यही आज की सच्चाई है और यही गंगा जगाओ अभियान का सच है। निलय का मानना है कि गंगा के साथ हमारा अस्तित्व इस कदर जुड़ा हुआ है कि गंगा नहीं तो हम नहीं। यही बात जिस दिन आम आदमी के दिमाग में घुस जाएगा, गंगा को बचाने की निलय की लड़ाई पूरी हो जाएगी।